यानी कि आप ठान लिए हैं कि चाय ही बेचना है, कोई सरकारी जॉब नहीं करना है? नहीं, अभी तो इसी को और आगे लेकर के जाना है। आगे लेके जाना है। क्या मन में आ गया कि चाय ही आप बेचने लगे, दूसरा भी कुछ? ग्रेजुएट चाय वाली की तरह अभी तो साल भर के अंदर भाग तो नहीं जाएंगे? नहीं, हम भागेंगे नहीं, चाहते थे कि हम किसी का सपोर्ट नहीं ले और हम खुद से सब कुछ करें, इस कारण से हमें स्टार्ट किया है। बेच करके हम भी वायरल हो जाएंगे और पूरा छा जाएंगे सोशल मीडिया में, इसी को लेकर के आप चाय खोल दिए क्या? ऐसा कुछ बात नहीं है। हम अभी हम मौजूद हैं भागलपुर में और भागलपुर में देख रहे हैं हम एक चाय ठेले के सामने खड़े हैं और ये जो चाय ठेला है इसका जो मालिक है वो एक लड़की है। और बता दें कि भागलपुर में भी वो चाय खुल चुका है जिसका कि आप लोग हमेशा वीडियो देखते होंगे और काफ़ी वायरल भी चल रहा है। भागलपुर में, पटना में भी देखते होंगे, लेकिन आज भागलपुर में आपको देखने के लिए मिलेगा। इनका नाम है द क्लासिकल चाय। और चलिए हम बात करते हैं ये किस प्रकार से यहाँ पे चाय बनाते हुए नज़र आ रही है और देख रहे हैं यहाँ पे, चलिए इनसे बात करते हैं। मेरा नाम मोनालिसा है। मोनालिसा, अच्छा मोनालिसा जी, सबसे पहले आप अपने पढ़ाई के बारे में बता दीजिए, उसके बाद तो चाय तो दर्शक को दिख ही रहा है कि आप चाय बना रहे हैं, पढ़ाई कहाँ तक की है? अभी मैं पार्ट टू में हूँ। जोर से बोलिए। अभी मैं पार्ट टू में हूँ और अभी भी पढ़ाई मेरी कंटिन्यू है, पढ़ाई मैंने छोड़ा नहीं है। जी, कहाँ तक पढ़ाई की है? अभी पार्ट टू में। पार्ट टू में है। किस कॉलेज से किए हैं? अभी 11 12 तो मारवाड़ी कॉलेज से हुआ था, अभी झुंझुन वाले कॉलेज में। झुंझुन वाले कॉलेज में जी। यानी कि भागलपुर में ही आपका पढ़ाई भी चल रहा है और आप चाय का ठेला भी चला रहे हैं जी। ये कितने बजे से कितने बजे तक आपका चाय बिकती है? ये आपका 3 बजे से रात के 8 बजे तक। यानी कि शाम को 3 बजे से रात के 8 बजे तक आप चाय जो है कि यहाँ पे बेचते हैं? क्या यहाँ पे आप चाय जो बेचते हैं और कितना कमाई हो जाता है हर दिन? अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है, पर ठीक है, नॉर्मल है, एवरेज। मोनालिसा जी, क्या ज़रूरत पड़ गया था जो कि आप पढ़ाई लिखाई इतना करते हुए भी और अच्छे घर के भी लग रहे हैं देखने के बाद, क्या ज़रूरत पड़ गया कि आप चाय का ठेला लगा लिए? देखिए, आज के समय में सबको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, इसी चीज़ को देखते हुए हम खुद का एक छोटा सा स्टार्टअप किए हैं जी। अच्छा, सड़क के किनारे और सैंडिस कंपाउंड के बगल में जहाँ पे कि काफ़ी लोग रहते हैं और हमेशा यहाँ पे तरह तरह के लड़का वगैरह भी जाता आते होंगे चाय पीने के लिए, तो क्या और लड़की के लिए तो बहुत सारा काम है, दूसरा काम भी कर सकते हैं, तो चाय क्या कहीं आप भी तो ऐसा नहीं सोचा कि चाय बेच करके हम भी वायरल हो जाएंगे और पूरा छा जाएंगे सोशल मीडिया में, इसी को लेकर के आप चाय खोल दिए क्या? ऐसा कुछ बात नहीं है, हमको बस सेल्फ डिपेंडेंट होना था, उसके लिए हम चाय रखे। चाय के साथ साथ और भी आइटम्स है फास्ट फूड में, जैसे मैगी हो गया, पिज्ज़ा हो गया, बन मस्का हो गया, तो सिर्फ चाय नहीं है और भी आइटम्स है यहाँ पर। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या है? माता पिताजी पिताजी इसी सब लाइन से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, मेरे पापा एजुकेटेड है, वो अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट है जी। कहाँ पे हैं अभी? अभी उनका रिटायरमेंट हो गया है, जेजे एक्सपोर्ट कंपनी में थे वो, अभी उनका रिटायरमेंट हो गया है। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 3 बहन है, 1 भाई है। एक भाई है। तो क्या आपके पिताजी अकाउंटेंट हैं तब पर भी आपको चाय का ठेला लगाते हुए उनको कोई तकलीफ नहीं हुआ क्या? किसी भी फादर को होगा, इनफैक्ट आपके फादर को भी होगा अगर किसी दिन ऐसा होगा तो, और कोई भी पेरेंट्स ऑब्जेक्शन ज़रूर करेंगे इस चीज़ को लेकर के, पर अगर इंसान अगर कुछ भी कर रहा है तो उसको मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज ना कल वो खुद में ही, मतलब खुद ही जाके कुछ करे तो ज़्यादा बेहतर है, कि कोई भी पीछे में अगर रहेगा उसको सपोर्ट करेगा तो वो इतना आगे नहीं बढ़ पाएगा जितना वो और बढ़ सकता है, इसलिए हम चाहते थे कि हम किसी का सपोर्ट नहीं ले और हम खुद से सब कुछ करें, इस कारण से हमें स्टार्ट किया है। देखिए, कोई भी चीज़ में कदम बढ़ा देना तो पूरा आसान है, इतना में भी आप देखेंगे कि एक ग्रेजुएट चाय वाली जो है कि पूरा एकदम जोशो हवास में जो है कि वो चाय का ठेला लगाई हुई थी और कम से कम 2 से 3 साल उसका काफ़ी वायरल हुआ सोशल मीडिया में, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह वगैरह, मतलब जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है काफ़ी छा गई और वो जो है कि पूरा सीना तान के बोलती थी कि हमको इसमें मन लगता है और यही काम हम करेंगे और इसी में आगे बढ़ाएंगे और एक मोटिवेट का काम करेंगे दुनिया में, दुनिया के नज़र में ये दिखाना चाहेंगे कि लड़की भी कुछ कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ कि वो 2 साल से 3 साल नहीं टिक पाई, आज उसका ठेला का नामो निशान नहीं है। उसी प्रकार से जोश में आ करके कोई भी महिला या लड़की जो है कि कदम बढ़ा लेती है और कहीं ना कहीं उसके मन में रहता है कि हम एक महिला होकर के चाय बेचने लगेंगे तो पूरा सोशल मीडिया में छा जाएंगे, उसी प्रकार से इनको भी छाने का एक जुनून मन में हो गया होगा और इन्होंने ठेला जो है कि यहाँ पे सैंडिस कंपाउंड में आगे लगा दिया होगा। क्या सुनिएगा इधर जी, आप जो ये ठेला लगाए हैं
क्या कितना दिन तक आप यहाँ पे टिक पाएंगे? पता है कहीं ग्रेजुएट चाय वाली की तरह अभी तो साल भर के अंदर भाग तो नहीं जाएंगे? नहीं, हम भागेंगे नहीं, मेरा ये कंटिन्यू रहेगा, इसको और बड़ा जरूर करेंगे, पर टिके रहेगा, टिके रहिएगा। ये सिर्फ वायरल होने भर आप यहाँ रहिएगा, वायरल हो जाइएगा। हमको बस सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, वायरल होने से कोई मतलब नहीं। पढ़ाई करते करते ऐसा क्या मन में आ गया कि चाय ही आप बेचने लगे? दूसरा भी कुछ कर सकते थे आप? बिजनेस करना था खुद का, और कुछ भी कर सकते थे, बैंक में भी आप कर सकते थे, पढ़े लिखे हैं, बैंक में एक पार्ट टाइम जॉब कर सकते थे, या फिर मेडिकल में कर सकते थे। ट्राई किए थे पर हो नहीं पाया, और हम चाहते थे खुद का बिजनेस ज्यादा बेहतर रहेगा, तो बिजनेस में कम इन्वेस्टमेंट में हमको यही समझ में आया, इसीलिए। यानी कि आपको ऐसा लग रहा था कि हम कहीं भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे आ गए? ऐसा नहीं है, अगर हम चाहते तो क्वालिफाई कर सकते थे, पर हम चाहते थे कि तुरंत हम अर्निंग करना स्टार्ट कर दे, इस कारण से। यानी कि आप ठान लिए हैं कि चाय ही बेचना है? हाँ। कोई सरकारी जॉब नहीं करना है? नहीं, अभी तो हम जॉब नहीं करना है, हमको बिजनेस करना है। बिजनेस ही करना है, और चाय का ही बिजनेस करना है, किसी को और आगे लेकर के जाना है। आगे लेके जाइए, इसको कितना आगे लेके जाना चाहिएगा? हम चाहते हैं कि मेरा ये ब्रांड बने। ब्रांड बने, ब्रांड का नाम क्या रखिएगा? द क्लासिक टी। अच्छा, इसका मतलब ये नाम रखने का उद्देश्य क्या है आपका, कहाँ से आप ये? हम चाहते थे कि मेरा जो भी आइटम्स हो, स्पेशली जो चाय हो, वो सबसे ज्यादा परफेक्ट हो, कोई भी क्लासिक, यही नाम क्या रखे, मतलब और कुछ दूसरा नाम रख सकते हैं? इसके पीछे का कोई नहीं, मतलब इसके पीछे का मतलब उतना कुछ नहीं है, हमको जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, हमको यही वाला नाम ज्यादा सूटेबल लगा। ये अपने मन से सोचे थे या कोई बताया था? अपने मन से सोचे, हमको यही वाला नाम ज्यादा सूटेबल लगा मेरे अकॉर्डिंग, मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंग, इस कारण से हम यही नाम रखे। यहाँ पे कितना दिन हो गया आपको? अभी अप्रोक्स 4 महीना होता होगा। 4 महीना जी। 4 महीना में क्या क्या कठिनाई यहाँ पे झेलना पड़ा आपको? कठिनाई आई, काफ़ी सारी आई, अब सब कुछ नॉर्मल है, वैसे कोई बात नहीं। तब पर भी बता सकते हैं क्या क्या कठिनाई आई? यहाँ पे ठेला लगाने नहीं दिया जा रहा था, या फिर और कोई दूसरी कठिनाई, या फिर गार्जियन का कोई भी दबाव, ये सब पूरा बताएंगे आप? अभी तो ये सब बताने के उसमें नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबी स्टोरी है, काफ़ी समय निकल जाएगा। तो बता सकते हैं आप कुछ मेन पॉइंट? पुलिस वगैरह आए थे, हटाने की कोशिश किए, फैमिली के तरफ से जो दूर के रिलेटिव्स हैं उनसे काफ़ी कुछ सुनने मिला, पर हमको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिलेटिव काम नहीं आते, जो सबको पता है, जो सच बात है, रिलेटिव कोई काम नहीं आते उनको। मतलब रिलेशन हमेशा तनाव ही मारते रहते हैं? वो तो ताना मारेगा ही, आप अच्छा करोगे तभी ताना मारेगा, बुरा करोगे तभी ताना मारेगा, उनका काम है ताना मारना। पुलिस जो आपको हंसकाने के लिए आ रहा था वो क्या मतलब लड़की समझ के हंसकाना चाह रहा था, या फिर और कोई मतलब वजह से, ये जगह की वजह से? वो हमको नहीं पता, अब उनके मन में क्या था नहीं था, हम किसी का माइंड तो पढ़ नहीं सकते भैया, तो बस नहीं पता उनका क्या रीज़न होगा, पर हटाना चाह रहे थे इतना हमको पता है। अच्छा, कौन कौन सा चाय आप रखते हैं? चाय का भी बहुत ब्रांड होता है सुनते हैं। नहीं, मेरा जो अभी चाय है बस एक नॉर्मल चाय है, क्योंकि होता क्या है, लोग बाहर निकलते हैं तो लोग चाहते हैं कि घर का चाय उनको मिले ज़्यादातर बाहर अगर निकलते हैं तो, और यहाँ भागलपुर में ऐसा होता है कि रोड में वैसा घर वाला चाय कहीं नहीं मिलता है, बट हम एक ही चाय रखे, नॉर्मल रख, एक ही नॉर्मल चाय है, वो घर के जैसा बस चाय है। नॉर्मल चाय बनाते हैं, यानी कि जिस प्रकार से घर में महिला के हाथ से लोगों को चाय पीने के लिए मिलता है, उसी प्रकार से आप जो है कि सबको चाय बना के पिलाते हैं। जी। तो क्या यहाँ पे आपका चाय पी करके लोग खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं? हाँ, सबको चाय बहुत पसंद आती है, और भी जो आइटम्स है, मैगी हो गया, पिज्जा हो गया, सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। सब खुद अपने हाथ से बनाते हैं? जी, खुद से बनाते हैं। स्टाफ वगैरह भी रखे हैं क्या? हाँ, एक स्टाफ रखे हैं। और आप घर से आते हैं कि यहीं पे रहते हैं? घर से आते हैं। घर आपका कहाँ होगा? वास्तु विहार। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? अलीगंज से आगे, यानी कि भागलपुर में ही है? हाँ, भागलपुर। अच्छा, चलिए चलिए कुछ चाय पीने के लिए भैया लोग आए हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। थोड़ा सा भैया लाइट में आ जाइए, आप स्मार्ट ऐसे भी हैं, और लाइट में आ जाइएगा तो और स्मार्ट लगेगा। ये बताइए, आप चाय पीने के लिए आए हैं? बिल्कुल, चाय के आशिक है तो चाय पीने के लिए आए हुए हैं। चाय के आशिक हैं लोग, तो और किसी का आशिक रहता है, आप चाय का आशिक हैं? दरअसल इंसान का जो लाइफ मिला है ना, कहने का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बोलचाल में 4 दिन की जिंदगी है, जितने ऐसे मौसम जी सकते हैं जी लीजिए, तो आशिक किसी और को क्यों बनाना भाई, जो हमारे शरीर में जा रहा है, जिससे हमको कुछ एनर्जी मिल रहा है, कुछ तत्व जा रहा है, उसको आशिक बनाइए, खाना को आशिक बनाइए। यानी कि मतलब आशिक कुछ भी किसी चीज़ को आशिक बनाए, लेकिन वो हानिकारक चीज़ को ही बनाएंगे, क्योंकि चाय भी उतना हानिकारक है। कहा जाता है, देखिए आप जानते हैं चाय हानिकारक है, आप ये जानते हैं कि उससे ज़्यादा हानिकारक कुछ और है,
बेवफा निकली सुनते हैं ना, उससे कम ये हानिकारक है। सिगरेट नहीं पीते हैं, नशा नहीं करते हैं, इसी का एक पागलपन है। चाय पीने का दिन भर में 25 कप चाय पीते हैं, बस यही एक मैंने अपने सौ नहीं करते हैं। नहीं, चलिए हमारे नीतीश चाचा जी का जो है कि आप ध्यान से सरकार का देन है, तो आज आपके सामने खड़े हैं। अरे छोड़िए वो सब गप, ये जो चाय पीने आप आते हैं तो कैसा चाय लगता है, क्या पूरे मार्केट से कुछ अलग लगता है? मैं आपको ऐसा जवाब दूंगा, शायद सबको लगा कि उठपटांग है ये चाय, जब भी हो कितना अच्छा लगेगा, लेकिन चाय चाय के जैसा होगा। अच्छा, ये पटांग का मतलब क्या हुआ? मतलब अभद्र, कहता है कि पागल के जैसा, क्रेजी के जैसा जवाब देना। और आपको शायद नहीं पता, लेकिन आपके पीछे जो कैमरा मैन है उनको पता है कि मेरा शो हर संडे होता है यहाँ पर। क्या, कौन सा शो होता है? संडे का स्पेशल शो, पब्लिक इवेंट करते हैं सेंडिस कंपाउंड में, तो 2000 क्राउड रहता है कम से कम, जिसमें कि हमारे ये बादल बाबू जो हैं ये आए थे, तो यही बगल में चाय है। तीन बार इनसे ही मुलाकात हुई, पता चला कि कोई लड़की चाय का शॉप खोली है भाई, तो एक अंदर अच्छा फीलिंग हुआ, क्योंकि चाय का ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोई लड़की घर से बाहर निकलकर अगर खुद का शॉप खोल रही है तो उसके लिए चैलेंज है, क्योंकि जब आप चाय बेचते हैं, आप खुद पर ये फील कीजिएगा, जब आप चाय का दुकान खोलते हैं तो आपके जितने भी हाई प्रोफेशनल रैंक के VIP जो भी आपके दोस्त होंगे, सबसे पहले आपका वो साथ छोड़ देंगे, क्योंकि आप एक चाय बेचने वाले की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन ये पता नहीं है कि एक चाय बेचने वाला आज देश का भविष्य बना रहा है, जो बात फैक्ट है, इससे हम भाग नहीं सकते। यानी कि आप कह रहे हैं कि हमारे जो PM है वो चाय बेचते हैं। जी, और आज चाय बेचना आज के समय में गलत नहीं है। सैंडिस कंपाउंड के आगे एक महिला चाय बेच रही है, क्या ये समाज के लिए गलत संदेश नहीं जाता है? समाज की अंधी सोच तो गलत संदेश, समाज अगर शिक्षित है तो सही संदेश। आप क्या समझते हैं? अच्छा, आप एंकरिंग कर रहे हैं किसी चैनल का, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, ये सही है कि गलत है? हमको तो वो तो आप लोग बताएं नहीं, क्या लगता है ये? आप भी हमारे जैसे ही एक युवा हैं समाज के, तो आपके अनुसार ये क्या लगता है, ये मतलब सही कर रही है? बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि समाज, हम लोग आज के, विश्वास नहीं कीजिएगा, हर इंसान को अपने पैर के ऊपर खड़ा होना चाहिए। अगर जो इंसान अपने पैर के ऊपर, मतलब खुद के ऊपर अपना खर्च भी नहीं निकाल पा रहा है, वो जानवर के समान है। जानवर भी घूर कर घास खा लेता है, पत्ता खा के ज़िंदगी बिता लेता है, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो किसी बथान में बंधे होते हैं, उसको चारा भी मिलता है अच्छा अच्छा तो आप किस कैटेगरी को आप अपना अपनाना चाहते हैं, ये खुद पे आपका निर्भर करता है। और मैं दीदी का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार करता हूँ। मैंने जब पहली बार जाना कि इनका शॉप खुला था, तो पहले दिन ही जाके पानी, बरसात पड़ रही थी, बरसात छूटने के बाद इनसे मिला और बोले कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि भागलपुर में पहली कोई लड़की है जो इतना हिम्मत करके सैंडिस कंपाउंड के गेट के सामने आप खोल रहे हैं। और मेरा शो, मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरा एक शो एक बार जरूर यहाँ पर होगा, अपने दीदी के सपोर्ट में मैं करूँगा यहाँ पर एक शो, जो जितना भी सपोर्ट हो सके हमसे बनेगा करूँगा भाई, और यहाँ पर एक बार शो करूँगा। और सबों से उम्मीद करता हूँ कि एक बार दीदी के इस शॉप को विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप पटना में नहीं हैं, पटना में रहते तो ये दीदी पटना में रहती तो शायद विजय देवकोंडा फिर से आ जाते। लेकिन ये हम यहाँ पे न्यूज़ कवर करने के फेर में हैं, और यहाँ पे ये जो बहन जी हैं ये पूरा बिजी हैं अपना काम में, यानी कि अपने काम के प्रति इतना इनको मतलब जागरूक ही है कि ये जो है कि हम इधर गप कर रहे हैं लेकिन ये अपने चाय बनाने में मस्त है। ऐसा लग रहा है कि इनको, इनके मन में है कि कहीं रिपोर्टिंग खत्म करते करते इनको बना चाय बना करके पिला देंगे, इसीलिए ये कंटिन्यू जो है कि लगी हुई है। क्या भैया आप भी आ जाइए, आपसे भी कुछ पूछ लेते हैं, आपका हंसी बहुत मस्त है। जी जी, थैंक यू भैया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ भैया। दीपक कुमार, घर कहाँ हुआ? छोटी खंजरपुर SBI गली। अच्छा, आप चाय पीने बराबर यहाँ आते हैं? जी जी, मैं इनका बहुत पुराना कस्टमर हूँ। पुराना कस्टमर जी, कितना दिन से पी रहे हैं? तीन महीना से पी रहा हूँ। तीन महीना से जी, कहीं हमको लगा कि चार महीना पहले खुला है, कहीं आप साल भर नहीं बोल दे, इसलिए हम पूछ रहे थे। नहीं, सबसे बड़ी बात इनको देख के बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि एक लड़की ये काम कर रही है अपने पैर पे खड़ा होकर। अच्छा अच्छा, तो मैं कभी भी ये नीचे जाता हूँ ना, इनको देख लेता हूँ। अच्छा, इनको देख करके आपका, आपके अंदर कैसा इंस्पायर फील हुआ? मतलब जब ये मतलब इतना स्ट्रगल से काम कर सकती है तो हम लोग, यानी कि आपको आपको ये हुआ कि मतलब महिला होकर के ये कर सकती है तो हम पुरुष हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जी जी जी, मोटिवेट हुए आप? हम लोग। चाय कैसा बनाती है? चाय बहुत ही अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है। एक कप का कितना लेती है? एक कप का 12 रुपया लेती है। बेसी तो नहीं लेती है? चलिए ठीक है, ठीक है, यानी कि स्वाद के अनुसार बढ़िया है। स्वाद के अनुसार चलिए। तो चलिए, आप देख रहे थे अभी द क्लासिकल चाय, ये स्टोर देख रहे थे, और एक महिला जो कि भागलपुर की रहने वाली है और जो जिसका कि पढ़ाई अभी कंटिन्यू चल रहा है, इनका पिताजी अकाउंटेंट में जॉब करते थे जो कि अभी रिटायर हो चुके हैं,
और वो उस परिवार की एक लड़की जो है कि यहाँ पे सैंडिस कंपाउंड के आगे चाय बेच रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।